नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग 201 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज के वीडियो में होने वाली है एक अनबॉक्सिंग। तो ये डब्बा आया है अमेजोन से, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो वैसे डब्बा मैंने खोल लिया है क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट था वो चेक करना बहुत ज़रूरी था। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आया है K9 का माइक। तो वायरलेस माइक है, क्योंकि अगर जब मैं पहले ब्लॉगिंग करता था तो उसमें मुझे क्या परेशानी होती थी कि मुझे जो है जोर 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 से बोलना पड़ता था, या तो फिर मुझे एक बोया का जो मेरे पास माइक था वो कैरी करना पड़ता था। तो कैरी करना आसान नहीं था क्योंकि 15 मीटर की उसकी वायर होती थी, 15 या 7 मीटर की वायर थी इसकी शायद। तो उसको कैरी करना आसान नहीं था, बहुत दिक्कत होती थी। तो इस वजह से मैंने वायरलेस माइक जो है ये K9 का अपने लिए ऑर्डर किया। तो दिखाता हूँ आपको कि क्या है इसके अंदर। तो डबल रिसीवर वाले माइक हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो इसको आप टाइप सी में भी यूज़ कर सकते हो और आईफोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से लगाना है। तो इसके बाद अभी आईफोन के लिए हो गया है, आईफोन में यूज़ कर सकते हो और ऐसे टाइप सी में यूज़ कर सकते हो जो आजकल टाइप सी के फ़ोन हैं। और ये हैं दो रिसीवर। तो जो दो रिसीवर होते हैं उनमें इंटरव्यू, ब्लॉगिंग और लाइव शो करने के लिए बहुत बढ़िया है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आई है टाइप सी की डाटा केबल। तो बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप वैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जो ये वाइब वाले माइक होते हैं इनकी वैसे बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया रहता है। मैंने एक बार पहले भी यूज़ किया था और कुछ अलग मॉडल था, सिंगल माइक था, तो काफ़ी अच्छा माइक है। छोटे छोटे तो कॉलिंग के लिए जब हम इंटरव्यू और ब्लॉगिंग आते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको जो है वायर वगैरह कैरी नहीं करनी पड़ेगी। जो बोया वाले माइकों में दिक्कत है सबसे बड़ी। और दूसरे इसमें क्या है कि टाइप सी की जो है इसमें चार्जिंग, तो फास्ट चार्जिंग होती है टाइप सी में, तो इसलिए जो है इसमें टाइप सी की चार्जिंग दे रखी है। तो चार्जिंग जो है टाइप सी का दिया है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। और 20 मीटर की जो है इसमें रेंज है, और 20 मीटर दूर तक जो है इसको रिसीवर को ले जा सकते हो, तो वहाँ से भी जो इसकी कनेक्टिविटी जो है रहेगी आपके फ़ोन में। काफ़ी अच्छे माइक हैं। तो अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ इनको लगा के कि कैसी इनकी आवाज़ है। तो आपको जो है फ़ोन में ब्लूटूथ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोन में इसको लगाना है। अगर आपके पास टाइप सी वाला फ़ोन है तो उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है सिर्फ आपको इतना करना है, अगर आपको एक माइक यूज़ करना है तो एक माइक को ऑन कीजिए। तो जैसे ही ये डिवाइस आपके फ़ोन में लगेगी वैसे ही जो है ये लाइट, ग्रीन लाइट फिक्स हो जाएगी इसमें और रेड लाइट जो है बंद हो जाएगी। अगर आप चाहो तो दोनों माइक यूज़ कर सकते हो। जब आप दोनों माइक यूज़ करोगे तो दोनों लाइट ना दोनों माइकों का भी यही प्रोसेस है सेम। इसमें ये फ़ायदा है कि अगर मान लो एक की बैटरी डेड हो गई तो दूसरे की बैटरी जो है चालू रहेगी। अगर आप सिंगल सिंगल यूज़ करना चाहो तो, अगर कहीं आपको इंटरव्यू करना है तो आपको उस टाइम जो है दो माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इनको। तो देखिए अभी जो है ये सर्च कर रहे हैं। अगर जब मैं इसको अपने फ़ोन में लगाऊंगा तो उसके बाद जो है इसमें जो है रेड लाइट जो है बंद हो जाएगी दोनों में। तो अभी आपको दिखाते हैं इसको लगा के।
अभी जो है अगर मैं इसको अपने फ़ोन में लगाऊंगा तो उसके बाद जो है ये जिसमें रेड लाइट जल रही है वो बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं नीचे ये लाइट जो है बंद हो गई इसकी। तो एक रिसीवर जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है और अपने भी इसको कॉलर पे लगाऊंगा मैं। तो जब से मैंने ये कनेक्ट किया, जब से लाइट फिक्स हुई है, तब से जो है इसी की ही साउंड रिकॉर्ड हो रही है। तो कुछ इस तरीके से लगाना है, तो देख सकते हैं आप। तो आपको अगर आप जब ब्लॉगिंग करोगे तो उस टाइम आपको ये सिग्नल जैसा भी मिलता रहेगा कि माइक ऑन है या ऑफ है। तो ये जो ग्रीन लाइट है कंटिन्यू जली रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें गुसाई ब्लॉग 01 को। तो तब तक के लिए जय हिंद।